सो है कि वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल फादर एड सो फाइनली गाइस फाइनली आज की जो हमारी एडिटिंग होने वाली है वो होने वाली है भाई क्या नाम है इसका आपको तो पता ही होगा रिमशा खान के ऊपर बहुत आपने तो इसके ड्रामास भी देखे होंगे तो भाई आज जिनको इनका नहीं पता तो जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो कि भाई इसका नाम क्या है आपको पता चल जाएगा कि भाई रिमशा खान लिखोगे आ जाएगा नाम मैंने बता दिया बाकी आप इसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हो सो so, जिनको नहीं पता तो वो भाई ये बता सकते हो कि भाई आपके एडिटिंग होने वाली है गर्ल के साथ तो सिंपली इसमें जो भी बैकग्राउंड पे यूज करूँगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप बिजली जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड कुछ इस टाइप के अपना लेवल की पिक्चर एडिट कर सकते हो बॉस सो so, ज़्यादा ना बोलते हुए वर्क स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बॉस सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब सो so आ हैं हम अपने बैकग्राउंड को लेके so, इस बैकग्राउंड का लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एडवुड में जाना है अपने पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है ठीक है इसका अपने कटआउट पहले किया हुआ है ठीक है यहाँ पे हम इसको ले आएंगे ठीक है सो so, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे इसको सेट करके लगा देंगे ठीक है यहाँ पे लगाने का मतलब ये है कि हमारा जो पर्दा नीचे पकड़ा हुआ है उसके हम पीछे चले जाएंगे वो कैसे मैं आपको बताता हूँ पहले अपने मॉडल का साइज प्रॉपर यहाँ पे रख देना है आपने ठीक है ऑपसिटी को कम कर देंगे ऑप्शिटी कम करने का ये फ़ायदा है कि हम यहाँ पर हमें नज़र आएगा तो हम अच्छे से इसको रिमूव कर देंगे ठीक है इरेज़र पर जाएंगे और इरेजर सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है हार्डेस ऑप्सिटी अपने हिसाब साइज़ अपने हिसाब से और हार्डनेस ऑप्सिटी फुल कर देना यहाँ पे हम अच्छे से ना इसको इरेज़ कर देंगे ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो तो जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सेम सेम आपने वैसे ही करना है यहाँ पे ठीक है ये आ गया हमारा साइज़ यहाँ पे सेट हो गया ये वाला ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हो रहा है तो यहाँ पे ये आपने बिल्कुल ऐसे इरेज़ कर है इतना तो आपको पता ही है कि इरेज कैसे करते हैं तो यहाँ पर ये इरेज हो चुका है ठीक है सो इसकी ऑप्सीटी फुल कर देंगे ऑप्शिटी फुल करने के बाद अभी हमने करना ये है कि सिंपली एडजस्टमेंट में चले जाना है एडजस्टमेंट कर लेंगे थोड़े बहुत फेस की ताकि जो लड़की है और हमारा जो फेस है वो मैच कर जाए ठीक है तो यहाँ पे हम फेस मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो ये वाली एडजस्टमेंट मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ क्योंकि लाइटिंग जो है आपकी पिक्चर क्यों और होगी मेरी पिक्चर क्यों होगी अगर सिम सिम आप ऐसे करेंगे तो आप पे वर्क नहीं करेंगे ठीक है मेरा यहाँ पे कम हो चुका है हम इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे और सिंगल फिंगर से आपने यहाँ पर इसको प्रॉपर कर लेना ठीक ले है इन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है वो आप वापस आ चुका है और इसकी ऑपसिटी कम करेंगे तो ये हमारा पर्दे के पीछे जा चुका है यानी कि दोपट्टे के पीछे जा चुका है तो इसकी यानी कि ऑपसिटी हमारी काम ही लगेगी तो रियल लुक लगेगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो तो बाकी थोड़ा बहुत जो एरिया है उसको हम फिर से रिमूव कर देंगे जैसे ये हैंड पे आ चुका है ये वाला तो हमारा ये वाला वर्क हो ही चुका है ठीक है ऑपसिटी फिर भी देख लेना अगर आपको कम लगे ज़्यादा कर लगे तो ठीक है वरना यहाँ पे डन है बॉस सही है सो यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे सेलेक्ट हो गया बाकी हम यहाँ पे अभी ड्रॉ टूल में जाके इसको सेव कर लेंगे नेक्स्ट चलते हैं हम सीधा किधर लाइट रूम में तो हमारी एडिटिंग जो होगी वो सारी की सारी अभी लाइट रूम में ही करेंगे सही है सो so गाइस हमने करना है कि लाइट रूम को ओपन कर लेना ठीक है लाइट रूम को ओपन करने के बाद प्लस पे जाएंगे और अपने उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको अभी हमने यहाँ पे एडिट करना है तो so सिंपली हम यहाँ पे जाते हैं और अपनी इस पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली तीन लिखा आ जाएगा क्योंकि हमारी पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी में ही कलर ग्रेडिंग करेंगे लाइट को ओपन किया हुआ है हमने सो जब तक यहाँ हो जाए तो मैं चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही ठीक है सो हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे लाइट्स में इसकी जो जो कॉन्ट्रास्ट है इसको आप थोड़ा सा माइनस में लेके जाएंगे सही है एंड हाई लाइट को भी माइनस में लेके जाएंगे सही हो गया शेडोज़ को हम प्लस में कर देंगे जितना कर पाओ आपको जितना अच्छा लगे वहाँ तक रख देना सही हो गया सो so, वाइट को भी हम थोड़ा सा प्लस में लेके जाएंगे एंड जो जा हमारी ब्लैक है इसको हम माइनस में लेके जाएंगे ठीक है सो so, यहाँ पे जितना आपको सही लगे उस हिसाब से यहाँ पे रख देना बिफोर एंड आफ्टर यहाँ तक हमारा काफ़ी अच्छा सा लुक आ चुका है बाकी हम डेक्सट चलते हैं यहाँ पर इनके टेम्परेचर को थोड़ा सा प्लस में लेके जाएंगे अगर आप चाहें तो इसको ब्लू की तरफ भी रख सकते हैं लेकिन मैं इसको प्लस की तरफ रखूँगा मुझे सही लग रहा है ठीक है एंड हमारी टेंट जो है इसको भी हम प्लस में लेके जाएंगे एंड नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं बस यहाँ पे जो हमारा ये रेड वाला है ना इसकी ह्यू को माइनस में लेके जाएंगे एंड इसकी जो सेचुरेशन है इसको प्लस में लेके जाएंगे ताकि हमारे लिप्स जो है ना वो रेड हो जाए ठीक है नेक्स्ट ऑरेंज ये हमारे फेस के लिए तो इसके हम ल्यूमिनस को ही बढ़ा देंगे सिर्फ ठीक है आप चाहो तो इसको भी थोड़ा सा काम कर सकते हो देखो कैसे रहा है वरना मैं सिर्फ यहाँ पर इसको करूँगा ल्यूमिनस को ही ठीक है नेक्स्ट हमारा आ गया येलो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस में देख सकते हो सैचुरेशन को लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रियल लुक लेने की कोशिश करूँगा तो हमारे कपड़े वगैरह सही होने चाहिए माइनस में नहीं होने चाहिए ठीक है थोड़ा सा बहुत हम इसको सेट कर लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर ग्रीन में इसकी ह्यू को बढ़ा देंगे एंड इसकी सैचुरेशन को भी बढ़ा देंगे ठीक है बाकी मारा ये आ गया क्या बोलते हैं इसको स्काई ब्लू इसको भी अब सेचुरीशन की कम कर देंगे बाकी ये ब्लू जो मैंने पैट पहली हुई है हाथ पे जो पकड़ा हुआ है उसका इसको हम थोड़ा सा प्लस में लेके जाएंगे और इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे यहाँ तक ना ल्यू में उसको माइनस में लेके जाएंगे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ठीक है तो ये ओरिजिनल लुक देता है बॉस ऐसा करना पड़ता है ठीक है आपके पास है तो आप ले सकते हो वरना कोई बात नहीं मैं इसकी पी आपको प्रोवाइड कर दूँगा वरना सही है इसको भी माइनस में लेके जाएंगे और इसकी भी हम इसको भी हम माइनस में लेके जाएंगे ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है बाकी हम थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे इफेक्ट में जाके इसके टेक्सचर को बढ़ा देंगे ठीक है टेक्सचर को बढ़ा देना है क्लैरिटी को भी हम इसको थोड़ा सा ना बढ़ा देंगे पिक्चर में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जानी चाहिए बस एंड ही एज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड बाकी आप देखो तो भाई विगनेट को कम कर सकते हो लेकिन मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं विगनेट को कम नहीं करूँगा ठीक है सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखा देता हूँ काफ़ी लेवल का मेरी पिक्चर लुक आ चुका है तो so, बस आगे आपने करना है क्या है सिंपली यहाँ पे इसको जाके सेव कर लेना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट आपको ऐसी वीडियोज़ प्रोवाइड होती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफि